एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कृष्ण महाराज ने कहा है, हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत पिछले जन्म हो चुके हैं, वे जन्म तुझे याद नहीं है पर मुझे याद हैं। ये जीवात्मा अनेक शरीरों को धारण करता है, सभी शरीर हमारे पंच भौतिक जो हैं ये नाशवान हैं, और जो इसके भीतर जीवात्मा है वो अविनाशी है, और परमात्मा परम ब्रह्म जिसको हम कहते हैं वो इस जीवात्मा से भी अलग है, सबसे महान है, महानतम पुरुष है। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसह परस्तात। वो कैसा है? जैसे सूर्य जैसा प्रकाश हो, मृत्यु से परे। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। हे परमात्मा, जो तेरी उपासना करके आराधना करके तेरी निकटता प्राप्त कर लेता है, तुझे जान लेता है, वह मृत्यु के अंधकार से निकल जाता है, मृत्यु का भी अतिक्रमण कर लेता है, और जन्म मरण से रहित होकर वो अनंत मोक्ष धाम में जाके स्थित हो जाता है। हमारे देश में, भारत में, पिछले जन्मों की, पुनर्जन्मों की बहुत सी घटनाएं मिलती हैं। आज हम लोग बिलारी में हैं और हमारे साथ हैं जिनको अपने पिछले जन्म की याद है, उनसे हम आपकी भेंट करा रहे हैं, मुलाकात करा रहे हैं। इस जन्म में उनका नाम है मनोज सिंह नील जी। आप देखिए, आप पिछले जन्म में कौन से गांव में थे और क्या आपका नाम था? जी, मैं पिछले जन्म में हजरत नगर गढ़ी, जो ये संबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस समय आपका गांव? ये हमारा गांव नमैनी गद्दी, ये डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में पड़ता है। अच्छा, उस दोनों गांव में कितना अंतर है? दोनों गांव में 10-12 किलोमीटर का फासला है। तो ये आपको पिछले जन्म की बातें कितने उम्र में आपको याद आने लगी थी? मुझे कुछ अब भी कुछ बातें याद हैं। हाँ जी। जैसे पहले मेरा नाम चौधरी बिहारी सिंह था जी, और अब इस जन्म में मेरा नाम मनोज सिंह है जी। मुझे करीब अब भी कुछ चीज़ें इतनी ध्यान है बचपन की, कि जब मैं 4 साल या 5 साल की अवस्था का होऊंगा उस समय। हाँ जी। मैंने सबसे पहले हजरत नगर गढ़ी के एक रहने वाले थे। आपको याद कैसे आई इस जन्म में, अपने पिछले जन्म की किस तरह से आपको याद आई? सबसे पहले मुझे जब याद आई, आज भी मुझे कुछ बातें ध्यान में हैं मेरे। हमारी जो पहली घटित हुई होगी कोई घटना ऐसी हुई। हाँ, जो हमारी पहली बेटी थी जी, वो ही हमारे तहेरे भाई के घर में ब्याह कर आई थी। अच्छा। हमारी अम्मा ने मुझे उनकी गोद में ले जाकर डाला था जब वो ब्याह के उस समय आई थी। अच्छा अच्छा। कितनी उम्र हो? मेरी लगभग 4 साल के आसपास की उम्र थी, 4-4.5 या 4 से थोड़ा बहुत कम होऊंगा उस समय। के लिए तेरा सबसे छोटा देवर है। अच्छा। तो मैंने उन्हें देखते ही ये कहे कि ये मेरी बेटी है। बेटी। तो उस समय मेरी किसी बात पे यकीन नहीं किया गया था। बोले बालक है, जैसा मुंह से निकल लिया है वैसा ही कह रहे हैं। तो उन्होंने पूछा नहीं आपसे कि बेटी कैसे है? उस बता किसी ने कोई गौर नहीं दिया था। अच्छा। हमारे पास गांव में उदयपुर पड़ता है, वहाँ की हमारी अब
ननसाल है इस जन्म की। जैसे बच्चा मिट्टी में खेल रहा होता है, मैं भी उसी समय मिट्टी में खेल रहा था जी। हजरत नगर गढ़ी के एक उनकी ससुराल थी उदयपुर की। अच्छा, उनका नाम अभी बता दूंगा मैं ध्यान करके। वो उदयपुर में आए थे। मैंने उन्हें पहचाना था सबसे पहले। अच्छा। उन्हें पहचानने के बाद में मैंने एकदम हाथ पकड़ा उसका उनका, उनसे अपशब्द कहे थे। अच्छा। क्यों, जो कि जाति आज की तारीख में जाति सूचक माने जाते हैं। अच्छा। वो मुझे उठा के मेरे नाना के पास ले गए थे। तो अपशब्द किस वजह से आपने कहे उनको? हाँ, मुझे ले जाने के बाद में बोले कि देखो ये मुझसे तुम्हारा धिपता अपशब्द बोल रहा है। तो बोले कि क्या कही बेटा तुमने इनसे? तब मैंने उससे कहा था कि तूने मुझे पहचाना नहीं, तेरी औकात नहीं थी जो तू मेरे सामने जमीन पे बैठा, तू मेरे सामने खाट पे बैठ रहा है। तो बोले तब मेरे नाना ने और उन्होंने दोनों ने मुझसे ये बताया कि तुम हो कौन। तब मैंने अपना नाम चौधरी बिहारी सिंह बताया था। वो इस नाम को सुनते ही चौंक गए और सीधे वहाँ से उठने के बाद गढ़ी पहुँचे। गढ़ी जाने के बाद में उन्होंने जाके हमारा जहाँ पहला हमारा जो जन्म था बिहारी सिंह का, उन्हीं घर पहुँचे और उन्होंने जाके वहाँ कहा। उन्होंने उस समय इस बात पे उन्होंने भी गौर नहीं दिया। फिर गांव में मैं उठ के अपने घर से ही जो हमारे भाभी जो आई थी हमारी बेटी ब्याह के, उन्हीं के पास को भागता था कि ये मेरी बेटी है। अच्छा। तब उन्होंने कहा कि तुम कौन? उनका नाम कुसुम था। अभी हैं वो? नहीं, एक्सपायर हो गई वो। अच्छा। तब उन्होंने कहा था कि तुम कौन हो? तब मैंने उनसे एकदम जब अपना नाम लिया, एकदम वो मुझे मेरी कोरी में भर के और गोद में डाल के बहुत रोई थी और उसी समय हमारे भाई से कहा था, बोले कि तुम गाड़ी चलो इन्हें लेके। हमारे भाई मुझे लेके गाड़ी आए थे। अच्छा। गाड़ी आने के बाद में मुझे वहाँ एकदम जैसे सब में एकदम फैल गई कि बोले कि बिहारी सिंह ने जन्म लिया है। गांव में एकदम सब में बात फैल गई और एक दूसरे सब आने लगे। तो लोग इकट्ठा हुए, कुछ लोगों को मैंने वहाँ अधिकतर लोगों को वहाँ पहचान लिया। सबसे पहले मुझे बोले कि खेतों की पहचान है। मैंने कहा हाँ। खेतों पे ले गए और हाँ बोले अपने खेत बताओ। वहाँ मैंने सबसे पहले अपना जहाँ हमारा खेत था जिसमें एक अमरूद का पेड़ खड़ा हुआ था, आज भी वो अमरूद का पेड़ मुझे ध्यान आ जाता है। अच्छा। उसी खेत पे मैं पहुंचा। मैंने हमारा वो एक अमरूद वाला नाम से बताया, मैं हमारे खेत में अमरूद का पेड़ था। वहाँ पहुंचे और जो मैंने खेत बताए तो आदमी को और ज़्यादा जो है ये विश्वास हुआ। बोले कि हाँ, कहीं इन्हें क्या पता इसने बड़े को कि हमारे खेत में अमरूद का पेड़ था। आपके माता पिता थे तब मौजूद? माता पिता हमारे मौजूद थे। हमारी अम्मा उस समय जब वहाँ से हमें लेके आए गाड़ी से, और मैंने कुछ सामान भी वहाँ रखा हुआ बताया, पहचाना बता दिया कि हाँ ये सामान मेरा दबा हुआ है। क्या सामान था? जैसे कुछ तो चांदी के रुपए थे। अच्छा। और अब काफ़ी समय पुरानी बात हो गई, कुछ चीज़ें दो में नहीं भी होंगे। दो असला भी थे। अच्छा। जो प्राइवेट थे वो मैंने निकलवाए। फिर तो और सब में जो है सब में उन्हें यकीन हो गया। मुझे आज भी ध्यान है वो समय दशहरे के मेला का था उस समय। अच्छा। तो उन्होंने मुझे वहाँ उस समय जब मेरी इतनी उम्र थी तो मुझे 100 रुपये दिए थे। इस बात से हमारे भाई नाराज़ हुए और मुझे नाराज़ी में लेके वहाँ से
चले आए। नाराज क्यों हुए? बोले कि इन्होंने इतना कुछ बताने के बाद में मात्र जो 100 रुपए ही दिए हैं, तो इसमें पैसे की क्या बात है? वो इसी बात पे वो नाराज हो गए थे। इसमें नाराज हाँ। होने की तो कोई बात ही नहीं है सर। उन्होंने घर आकर पूरी घटना बताई, बोले कि ये चौधरी बिहारी सिंह है, हमारी अम्मा ने फिर हमें पे बहुत मार लगाती थी, मेरे पास मुझे आज भी मुझे ध्यान है बहुत मारती थी। बोले कि तू ये मत बताया कर, इस जन्म की जो माँ थी, हाँ इस जन्म की जो माँ थी बहुत मारती थी। तो क्यों मारती थी? बोले कि तुझे यहाँ से ले जाएंगे। अच्छा। और मैं ये कहता था कि मैं गली को भाग जाऊँगा। हमारी अम्मा जब मुझे मारती थी और जब कोई भी खाना खिलाने के लिए कुछ मुझे देती थी तो मुझे ओखली पे बिठा कर ही खाना खिलाया जाता था या पिलाया जाता था। बोले ये ओखली पे बैठ कर खाएगा तो ये अपनी याददाश्त पुरानी सब भूल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर आपको कहाँ भेजा गया? फिर मुझे हमारे माँ ने हमारे जो है एक मुँह बोली बहन का रिश्ता बना था उनसे, ये बिलारी में सहसपुर पड़ता है, राजा का सहसपुर, उनका नाम डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं थी माला। अच्छा। अब वो एक्सपायर हो गई हैं, उनके यहाँ भेज दिया गया था मुझे। बोले जब वहाँ जाएगा कहीं नहीं आएगा, किसी से बात नहीं करेगा तो ये सब भूल जाएगा। गाड़ी वाले भी यही कहते थे कि हम ले जाएंगे, नहीं लेकर जाएंगे। बोले कि हम नहीं लेकर जाएंगे, पहले हमारे थे अब तुम्हारे हैं, हाँ बस के हमें इतना ही है कि कभी आए के मिल ले करेंगे। अच्छा, आपकी मृत्यु किस तरह से हुई थी? मुझे थोड़ा मृत्यु का भी अभी कुछ ध्यान है, सब बात जैसे मैं कुछ बताता हूँ तो हल्की हल्की धीरे धीरे मुझे ध्यान पे आती रहती है। किस तरह से मृत्यु हुई थी आपकी? हमने एक बनिए को मारने की वो बनाई थी, प्लानिंग था। क्यों? कोई वैसा चक्कर था जो मैं नहीं कह सकता अब इस समय। अच्छा, घटना हो गई, घटना हुई थी। अच्छा। उसकी सूचना मिली थी कि ये वो कुर्ता पायजामा पहने हुए और ट्रेन से आ रहा है। अच्छा। तो कितने लोग थे आप उसको मारने के चक्कर में? उसको मारने के चक्कर में 6-7 लोग थे हम। अच्छा। तो वो बनिया तो नहीं था, मुझे आज भी, मैं अभी धोखे से बनिए के धोखे में किसी और पे गोली, हाँ हाँ मुझे ध्यान आया, एक दरोगा जी थे जो बनिया ठेठ थाने में। अच्छा, अच्छा। उनकी ड्यूटी थी, रेल से निकलने के बाद में सवारी का साधन उस समय नहीं था, उनको मार दिया था धोखे में वो मारे गए थे। बनिया नहीं मारा गया, वो मारे गए थे दरोगा जी। उसमें सबके हमारे नाम FIR हुई थी, हमने अपना नाम उसमें से निकलवा लिया था। वहीं से हमारी पार्टी बंदी, एक ही परिवार था जिसमें हमारी आपसी पार्टी बंदी बनी। अच्छा। उसी के चक्कर में पार्टी बंदी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। बीच के ही कुछ लोगों ने जो गन्ना मिल बिलारी है, वहाँ रेलवे फाटक था जी। उस समय फाटक पे एक चाय की छप्पर की दुकान थी। अच्छा। छप्पर पड़ा हुआ था, कच्ची दीवारें थी, वहाँ फाटक बंद थी। अनजान व्यक्ति ने हमें मुझे उतारा था। जिन लोगों ने मेरे ऊपर गोली चलाई थी चेहरे देखे थे लेकिन वो लोग पहचानने में नहीं आए थे। अच्छा। वो उस दरोगा की तरफ के थे? नहीं जी, बनिया की तरफ के ना। तो उन्होंने गोली किस वजह से चलाई? विवाद जो बड़ा था वो यही था, बोले इन्होंने अपना नाम निकाल लिया है। अच्छा, और एक दूसरे को मारने की वो हो गई थी। अच्छा। रंजिश हो गई आपस में जी, इसी चक्कर में
तो आपकी मुझे गोली लगी फिर? गोली लगने से ही हमारी मौत हुई थी। हाँ, किस जगह लगी थी गोली? सिर में? गोली सिर में लगी थी। तो उसका दर्द अब तक होता है आपके? जी, अब दर्द नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पहले आप कह रहे थे ना कि सिर में दर्द? हाँ, पहले पहले होता था पहले। अब मैं पीछे करीब 2007 में बीमार हुआ था, तो मुझे ऐसी घटना महसूस होती थी जैसे हुई हो। जैसे मुझे ये पूरी घटना मेरे सामने जो पहले मेरे साथ में बीती थी वो दोबारा होगी। अच्छा। मुझे पूरा वो सब याद आ जाता था। तो हम कभी कभी सकते हैं कि जो पिछले जन्म में कोई चोट वगैरह जहां हमारे लगी हो तो अब भी उसका असर हमें रहता है? अब कुछ नहीं रहता है उसका। अब इस समय हाँ, अब नहीं है। हाँ, पीछे तो पीछे था, पीछे था। तो मृत्यु के बाद आपकी आत्मा कहाँ गई, ये कुछ याद आपको है या नहीं है? इतना ध्यान नहीं है ना कि यमराज के पास गई, चित्रगुप्त के पास गई आत्मा, परलोक के बारे में कुछ ध्यान? इतना ध्यान है हाँ जी कि जब मैं समय बीमार था तब भी मुझे ये महसूस होता था कि जब आदमी की मृत्यु आती है तो उसे बहुत बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन मृत्यु के समय उसके शरीर में इतनी दर्द और इतनी बेचैनी होती है जैसे आदमी को कभी एक बिच्छू काट ले तो उस आदमी को 100 बिच्छुओं ने काट लिया है। इतनी तकलीफ होती है कि इसे आदमी को 100 बिच्छुओं ने काट लिया है, और उसके बाद में जब रूह शरीर से निकलती है तब उसे बहुत बड़ा सुकून मिलता है और एकदम अंधकार हो जाता है। अंधकार, इतना मुझे अब भी ध्यान है। अच्छा, सुकून मिलता है। ठीक। तो जैसे आपकी मृत्यु हुई थी तो उस समय कुछ लोग इकट्ठे हुए होंगे, उसके बाद कोई वो दृश्य कोई ध्यान नहीं भाई, इतना ध्यान था फाटक बंद थी। अच्छा। मैं उस समय जीप में बैठा हुआ था, जीप से नीचे उतरा था। अच्छा, जीप से नीचे? जीप से। तो उस समय पूजा पाठ वगैरह आप कुछ करते थे पिछले जन्म में? उस समय पूजा पाठ का मेरा ज्यादा वो नहीं था, थोड़ा बहुत कुछ कुछ नहीं। अच्छा। मैं वाली भी भावना थी, अहंकार की, अहंकार भी था जिससे दबंग होता है आदमी। अच्छा। ना डरने वाला, ना डरने वाला। वो चीज आज भी मेरे अंदर कभी कभी उभर जाती है, जैसे किसी से कोई बात हो जाए तो वो चीज एकदम उभर आती है, वही गुस्सा। हाँ, वही पिछला वाला गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसके बाद में जब मेरा गुस्सा शांत होता है तो मुझे अपनी गलती का बहुत बड़ा एहसास होता है कि ये काम गलत किया है। तो इस जन्म में तो आप पूजा पाठ करते हैं? मैं इस जन्म में पूजा पाठ भी करता हूँ। एक चीज और मेरे साथ में इस जन्म में भी हुई है, उस जन्म में भी हुई है। मैंने उस जन्म में भी कुछ लोगों के बहुत काम किए थे, काम करने के बाद में भी लोग वागों ने मेरा एहसान नहीं मानते थे, खाली केवल बुराई कर देते। और आज इस जन्म में भी वही स्थिति मेरे साथ में है, होता है, होता है। किसी के साथ कितना काम कर दूं? तो आपको नामदान तो हुआ था शायद, हमने मंत्र बताया था। हाँ, मंत्र बताया था आपने, मैंने तो नामदान जो लिया था। आप उस मंत्र को जपते तो है ना? हाँ, मंत्र में आपका भी जपता हूँ। हाँ, जपता हूँ। हाँ, के मंत्र जो हमारे गुरु जी ने, मैंने राधा स्वामी सत्संग ब्यास से नामदान लिया था। अच्छा। पांच नाम, पांच नाम दिए थे उन्होंने, वो ही नाम आपने बताए थे। ओंकार निरंकार सोहम सतनाम जी, ये वो ही नाम है। तो मुझे ये महसूस हुआ सब जो भी है परमात्मा एक है, एक है, एक है। तो उसका सिमरन बराबर हमें करना चाहिए और शुभ कर्म करते रहना चाहिए, और ना जाने किस समय ये शरीर से आत्मा निकल जाए। हाँ, तो उस समय हम अपने ईमान और धर्म पे रहें हमेशा। जी, मैं अब अधिकतर यही रहता चाहता हूँ कि मैं अपने जो है कभी किसी को सताता नहीं हूँ। अगर मेरे घर पे कोई भूखा आ जाए तो उसे भूखा भी नहीं जान देता। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी को अगर कोई इस जन्म में, दो जन्म देखे मैंने, पिछला देखा ये अब का देखा। तो इस जन्म में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा
कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है, हमने बेआई में उसे मारा था तो हमारी भी वही मौत हुई। बस मैं तो यही संदेश दूंगा कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। गुस्से में आदमी कर जाता है लेकिन बाद में पछताता बहुत है। जो मैं आज भी वो गुस्सा कभी कभी पुराना आ जाता है मुझे, लेकिन मैं उस पछताता हूँ। तो आपने देखा पिछले जन्म की ये सत्य घटना हमने आपको अभी सुनवाई है, और सभी से यही कहना है, मृत्यु के देवता यमराज जी जब हमें परलोक में ले गए थे तब भी उन्होंने भी हमसे यही कहा था कि यहाँ नरक में देखो, पृथ्वी के जीवन में जो लोग पाप कर्म करते हैं वे पृथ्वी पर भी दुखी रहते हैं, और यहाँ मरने के बाद उनको नरक आदि में डाला जाता है। उन्होंने कहा कि तुम पृथ्वी पे जाके बताना कि लोग बुरे कर्म ना करें, पाप कर्म ना करें, उससे मनुष्य को दुखों की प्राप्ति होती है। अहंकार ना करें, क्रोध ना करें, दूसरों के लिए बुरा ना करें, विनम्रता पूर्वक इंसान परोपकार के काम करें और अपने सृजनहार उस परमात्मा के नाम का सिमरन बराबर बराबर करता रहे। सुख दुख जीवन में आते हैं, पुनर्जन्म भी बराबर होते रहते हैं। ये आत्मा कभी किसी शरीर में, कभी किसी जगह जन्म ले लेती है, किंतु पिछले जन्म याद नहीं रहते, किसी किसी को याद रहते हैं। तो आज हमने ये पिछले जन्म की एक घटना और जिनके साथ ये घटित हुआ उनसे साक्षात्कार कराया और आप तक उनकी बात पहुँचाई। शुभम अस्तु, शुभम अस्तु। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।